पंजाब के मोहाली में हुए धमाके की जांच एनआईए ने शुरू कर दी है। एनआईए ने धमाके वाली जगह का मुआयना किया। दिल्ली पुलिस भी ब्लास्ट केस की जांच में मदद करेगी। इस बीच पंजाब पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें एक शख्स पर हमलावरों को विस्फोटक मुहैया कराने का आरोप लगा है। मोहाली धमाके के तार अब पाकिस्तान से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट के लिए इस्तेमाल किया गया आरपीजी पाकिस्तान में बना था। सुरक्षा एजेंसियां आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चला रही है। मोहाली धमाके के बाद पूरे पंजाब में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता यासिन मलिक ने 2017 के एक मामले में दिल्ली की अदालत में अपना गुनाह कबूल कर लिया है। उसने कहा है कि वो आतंक की घटनाओं में शामिल था। फिलहाल यासिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है। यासिन पर जो आरोप लगे उनमें उसे उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। देशद्रोह कानून के मामले में केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दे सकती है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि इस कानून पर पुनर्विचार करने में कितना वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि जब तक सरकार देशद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है, तब तक इस कानून को लागू करने पर उसका क्या फैसला है। यानी जब तक केंद्र सरकार इस कानून की समीक्षा करे, तब तक जिन लोगों पर आईपीसी 124A के तहत आरोप हैं, उनके केस का क्या होगा और क्या आगे फैसला होने तक नए मामले इसके तहत दर्ज होंगे या नहीं। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी केस पर आज फिर सुनवाई होगी। एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं, इसे लेकर कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की एडवोकेट कमिश्नर को हटाए जाने की मांग पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी थी। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू संगठनों ने हनुमान चालीसा का पाठ करके इसका नाम विष्णु स्तंभ करने की मांग की। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दावा है कि जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार को बनाया गया था। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने दावा किया कि कुतुब मीनार को 27 जैन और हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया था। परिसर में मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति का जीर्णोद्धार होना चाहिए और हिंदुओं को परिसर में पूजा करने की इजाजत मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र पर बड़ा हमला बोला। महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि ये लोग ताजमहल या लाल किले को मंदिर बनाकर देखें, देखते हैं कितने लोग देश में उनका साथ देते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुगलों के वक्त जो चीजें बनी हुई है, जैसे ताजमहल, मस्जिद, किले, ये उन्हें बिगाड़ना चाहते हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। बिहार में बीपीएससी पेपर लीक मामले में लंबी पूछताछ के बाद भोजपुर के बड़हरा प्रखंड के बीडीओ जयवर्धन गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 8 मई को बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसको लेकर काफी बवाल हुआ। 6 लाख छात्रों ने प्रारंभिक परीक्षा दी थी, लेकिन पेपर लीक के बाद बीपीएससी पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद आनन फानन में कमेटी बनाकर जांच के आदेश दिए गए। कमेटी की रिपोर्ट के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। महाराष्ट्र में जारी सियासी घमासान के बीच एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर तीखा हमला बोला। एमएनएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी और कहा कि हमारी सहनशीलता की परीक्षा ना लें। राज ठाकरे ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि सत्ता आती जाती है, कोई भी सत्ता में हमेशा नहीं रहता है। उद्धव ठाकरे, तुम भी नहीं। हमारे कार्यकर्ताओं को ऐसे ढूंढा जा रहा है जैसे वो पाकिस्तान से आए हुए आतंकी हों। हमारे 28,000 लोगों को नोटिस दिया गया है। कठोर और दमनकारी कार्रवाई करने का आदेश किसने दिया गया है, ये महाराष्ट्र के साथ साथ सभी हिंदू देख रहे हैं। बीएमसी ने अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को कारण बताओ नोटिस भेजा है। बीएमसी ने सेक्शन 351 के तहत ये नोटिस भेजा है। ये नोटिस उनके खार स्थित आवास में अवैध निर्माण को लेकर है। नवनीत राणा और रवि राणा से एक सप्ताह के अंदर जवाब भेजने को कहा गया है। पिछले दिनों बीएमसी की टीम राणा के घर अवैध निर्माण की आशंका के चलते जांच करने पहुंची थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात के दाहोद में रैली की और इस दौरान बीजेपी सरकार पर हमला बोला।
आदिवासी सत्याग्रह रैली में राहुल गांधी ने कहा कि जिस गुजरात मॉडल की बात करते हैं उसमें दो भारत हैं, एक आम लोगों का, दूसरा अमीर लोगों का। राहुल गांधी ने कहा कि ये जनसभा नहीं सत्याग्रह की शुरुआत है। 2014 में नरेंद्र मोदी पीएम बने, गुजरात में उन्होंने जो काम शुरू किया वो आज भारत में हो रहा है, जिसे गुजरात मॉडल कहा जाता है। आज दो भारत बन रहे हैं, एक भारत अमीरों का है जिसमें बड़े अमीर लोग हैं और उनके पास सत्ता, धन और अहंकार है, दूसरा भारत भारत की आम जनता का है। आज दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान, उसमें चुने हुए लोग हैं, बड़े बड़े अरबपति, ब्यूरोक्रेट्स, जिनके पास सत्ता है, धन है, अहंकार है, और दूसरा हिंदुस्तान भारत की आम जनता, आम नागरिक का हिंदुस्तान। असम के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल सरकार घुसपैठ रोकने में केंद्र सरकार की मदद नहीं करती। उन्होंने कहा कि वहीं दूसरी ओर असम सरकार केंद्र के साथ पूरी तरह से खड़ी है और समस्या से मजबूती से लड़ रही है, जिसके चलते घुसपैठ में कमी आई है। लखीमपुर हिंसा मामले में कल मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। आशीष मिश्रा के वकील की तरफ से दी गई आरोपों को खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई होनी थी, जिस पर आपत्ति दाखिल की गई। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 24 मई को दी है। कोर्ट में पेशी के दौरान लखीमपुर खीरी कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मूछें ऐंठते दिखा। आशीष मिश्रा पर पिछले साल 3 अक्टूबर को प्रदर्शनकारी किसानों को थार से रौंदने का आरोप है। इस घटना में 4 किसानों और एक पत्रकार की मौत हो गई थी। घटना के बाद आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने थार के ड्राइवर समेत 3 लोगों को पीट पीट कर मार डाला था। इस हिंसा में कुल 8 लोग मारे गए थे। चश्मदीदों ने दावा किया था कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा भी एक गाड़ी में सवार था। यूपी एमपी और दिल्ली के बाद अब बंगाल में भी बुलडोजर एक्शन में आ गया है। आसनसोल में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे से बनाई स्कूल को बुलडोजर से गिरा दिया गया। रेलवे ने इस जमीन को कुछ ही दिन पहले ही कब्जे से मुक्त कराया था। बीती रात रेलवे की तरफ से बुलडोजर भेजकर स्कूल की इमारत गिरा दी गई। मुस्लिम लीग के नेता दानिश अली ने कहा कि यहां रेलवे पर बुलडोजर चलाया गया है। बाराबंकी में चोरी से बनाई हुई करोड़ों की संपत्ति को प्रशासन ने पुलिस की मदद से कुर्क कर दिया। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति में 2 मकान हैं, जिसकी कुल कीमत 1,69,00,000 रुपए बताई गई है। कार्रवाई के दौरान हैदरगढ़ तहसील के कर्मचारियों के साथ अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। बाराबंकी प्रशासन की इस तरह की कार्रवाई के बाद अपराधियों में हड़कंप का माहौल है। उन्नाव में एसपी समर्थक और जिला पंचायत सदस्य के नर्सिंग होम पर बुलडोजर चला। प्रशासन के मुताबिक डॉक्टर शकील ने तालाब पर अवैध कब्जा कर नर्सिंग होम बनाया था। 2 महीने पहले इसे खाली करने के नोटिस जारी किया गया था। कार्रवाई के दौरान कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। यूपी के जालौन में पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा किया। पुलिस ने पति की हत्या करने वाली आरोपी महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूरा मामला जालौन के मोहनपुर कुदारी के पास का है। यहां 3 मई को नाले में एक शख्स की तैरती लाश मिली थी। पुलिस ने बताया कि महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की, फिर उसके बाद शव को पत्थर से बांध दिया और लाश नाले में फेंक दी, जिससे शव ऊपर ना दिखाई दे। लेकिन जब पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि अवैध संबंधों के चलते हत्या की गई थी। पुलिस एक फरार आरोपी की तलाश कर रही है। बिहार के खगड़िया में भी रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक महिला ने अवैध संबंधों के चलते प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया उसने पहले हाथ पैर रस्सी से बांधे फिर गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है जबकि उसका प्रेमी अभी फरार है। पूरा मामला बेलदौर थाना इलाके के चौड़ली इलाके का है। बताया जा रहा है कि दोनों का प्रेम प्रसंग काफी समय से चल रहा था और पति पत्नी में अक्सर इसको लेकर झगड़ा होता रहता था। राजस्थान के झालावाड़ में पुलिस ने सगस महाराज मंदिर में हत्या और आगजनी के मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यहां 8 मई को एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। दोनों पक्षों की तरफ से हो रही फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई थी। प्रशासन ने मंदिर के सामने बने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण को जमींदोज कर दिया। मंदिर के सामने की जमीन डूब क्षेत्र में आती है, उसके बावजूद नियमों को ताक पर रखकर यहां अवैध निर्माण किया गया था। एमपी के दतिया में 4 मई को हुए एक बच्चे की मर्डर केस को पुलिस ने सुलझा लिया है। पंचील नगर कॉलोनी से 6 साल के बच्चे मयंक सैन की गुमशुदगी के बाद हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने हत्या के आरोपी पुलिस वाले को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने 5 मई को मयंक के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी लेकिन ग्वालियर में बच्चे का शव मिलने के बाद से परिवार सदमे में है। सीसीटीवी में आरोपी रवि शर्मा बच्चे का शव कार से निकालते देखा गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी डिप्रेशन में था। एमपी के इंदौर में एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। ये वारदात लसूड़िया थाना इलाके में मंगलिया की है। आरोपी वारदात के बाद से फरार है। पुलिस आरोपी पिता की गिरफ्तारी के लिए कई जगह छापे मार रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी रईस खान ने अपनी बेटी की अक्सर पिटाई करता था। हत्या से पहले वो बेटी को मेला घुमाने भी ले गया था। पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। आरोपी के खिलाफ पहले से अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। मेरठ के गंगानगर थाना इलाके में एक शख्स ने मोबाइल की डेटा केबल से प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। लड़की आरोपी के साथ किराए के मकान में रह रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक महिला पहले से शादीशुदा योगेंद्र के साथ रह रही थी लेकिन रविवार की रात को सीमा और योगेंद्र में किसी बात पर झगड़ा हो गया जिसके बाद आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद वो रात भर शव के साथ उसी कमरे में बना रहा लेकिन जब सुबह मकान मालिक को पता चला तो उसने पुलिस को खबर दी।